नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। रताखेड़ा खरीफ चैनल में घग्गर का पानी आने से किसानों में खुशी की लहर। परीवाला मोटा सहित करीब 15 से 20 गांव के किसानों को मिला सिंचाई का पानी। पहली बार पानी आने से किसान खुश हैं। किसानों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत सिंह का जताया आभार। आप देख रहे हैं शीर्षक से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। रताखेड़ा खरीफ चैनल में घग्गर का पानी आ जाने से किसानों में खुशी की लहर है। उनके खेतों में पहली बार पानी पहुंचने से मानो संजीवनी उन्हें मिल गई हो। उन्होंने एक दूसरे को किसानों को लड्डू बांट करके खुशी जाहिर की। रताखेड़ा खरीफ चैनल में पनीवाला मोटा गांव सहित 15 से 20 गांव के किसानों को पानी मिल सकेगा। किसान इस पानी की काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे। किसानों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत सिंह का आभार जताया है और कहा है कि उनके प्रयासों से पानी मिल पाया है। गौरतलब है कि सिरसा जिले में घग्गर के पानी के लिए अलग अलग खरीफ चैनल निकाले गए हैं, जिससे बरसात के दिनों में घग्गर नदी के पानी से किसानों की सिंचाई हो पाएगी और उन्हें पानी मिल पाएगा। काफी लंबे समय से किसानों द्वारा चैनल में पानी छोड़े जाने की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन इस बार पहली बार उनको सिंचाई का पानी मिल पाया है। वहीं किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में भूमिगत पानी खारा है और सिंचाई के लिए कम पानी मिल पाता है। किसानों ने बताया कि वे अपने खेतों में करीब 700 से 800 फुट तक बोर करवा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। किसानों ने कहा कि सिंचाई की पानी की कमी की वजह से जमीनें बंजर हो रही है और लेकिन अब खरीफ की चैनल के अंदर पानी आ जाने से उनकी फसलें अच्छी हो पाएगी और उन्हें बचाया जा सकेगा। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से ये खास रिपोर्ट। पानी आने से बहुत खुशी हुई है। यहाँ हमारे खारा पानी था, पहले पानी का कोई प्रबंध नहीं था और ये कार्य जो किया है चौधरी रणजीत सिंह की देन है जी। उन्हीं के प्रयासों से ये काम हुआ है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। दिक्कत ये थी जी, पानी खारा था, जमीन में ये बंजर होने के कगार पर आ गई थी जी। अगर ये नहर ना आती तो हमारे यहाँ पैदावार का मतलब नहीं था, सारी जमीन खराब हो जाती। ये जी मतलब हमारे पहले जो पानी था, जो चोवा था, मतलब जिसको भूजल स्तर बोलते हैं, वो काफ़ी नीचे चला गया है। भी उसमें पानी अगर जो भी है वो पानी बिल्कुल खा रहा है। मतलब जैसे अगर खेत में लगाए हैं तो उसमें मतलब ये नमक सा हो जाता है, शोरा जल जाता है। और नहर है, नहर में कभी मतलब एक हफ्ते के लिए पानी आता है, कभी महीना नहीं आता, डेढ़ महीना नहीं आता। कोई बिजाई के टाइम नहीं है, फसल पकने के टाइम नहीं है। भी जो भी था मतलब ये ट्यूबवेल थे भी जिसमें खा रहा है मीठा, जो पानी ट्यूबवेल का था। और ये नहर आने के बाद अभी मतलब चारों तरफ बहुत बढ़िया हो गया। मतलब ये पानी का इसका मतलब नीचे भी जो पानी खा रहा है वो पानी चेंज हो जाएगा, सब बढ़िया हो गया इसके बिना जी। अब ये ठीक है, ठेर तक जाएगा तो थोड़ा सा लेवल जगह ऊंचा नीचा ये ठीक करवाना पड़ेगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, चौधरी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इसे जल्दी से जल्दी ठेर जाने का प्रबंध करें। ये किसान भाइयों के ऊपर बड़ी देन की है। हम तो चौधरी रणजीत सिंह जी का सभी किसान भाई तय दिल से शुक्र गुजार करते हैं। और चौधरी साहब का देखो, ये 13 गाँवों को इस नाली से फायदा हुआ है और आज इस फ्लडिंग की वजह से हमारे किसान भाइयों को जो हमारे खेतों में बीमारियां फैल रही थी इस पानी के लगने से, आज हमारे किसान भाई बहुत खुशहाल हैं। ये हमारे जो एरिया के किसान है जी, ये जो 20-22 गांव है इनमें तो ये एक तरह से क्रांति का कदम है। घग्गर का जो पानी है हमारे ये रताखेड़ा माइनर, इससे हमारे जो इस एरिया की है फसलें और खेती पर बहुत अच्छा असर हुआ है। दूसरे लेवल की जो बात कर रहे थे, लेवल की है जी। यहाँ अभी जो पानी आया अभी हमें इसका महसूस हुआ है कि कुछ जगह लेवल खराब है, जिस कारण कई जगह डूब जाती है, पानी भर जाता है और आगे किसान है वो इंतजार करते रहते हैं पानी के लिए। तो मेरा अनुरोध है, हम जाएंगे भी महकमा वालों के पास, तो इसका लेवल सही करवाया जाए। अब जब पानी बंद हो जाए तो ये सबसे जरूरी है।